Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss Shah Rukh Khan's first body with a similar age person's body. Let's roll it. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this place. All right, so पिछले कुछ समय से शाहरुख खान सर की मूवी पठान सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और उनकी अमेजिंग फिजिक देख के उनके जितने भी फैंस हैं इंक्लूडिंग मी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। और जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे DM किया हुआ है और मुझसे जानना चाहते थे कि आपका टेक क्या है उनकी फिजिक पे, क्या उन्होंने हार्मोनल असिस्टेंस का यूज़ किया हुआ है या फिर वो नेचुरल है। वैसे YouTube के बहुत सारे क्रिएटर्स ने ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, इसलिए मैं उस टॉपिक को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता हूँ बिकॉज मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा हट के वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। तो आज मैं उनकी जो फिजिक है उसको कंपेयर करूँगा। मेरा एक फ्रेंड है जिनकी जो एज है वो शाहरुख खान सर जितनी ही है और वो पिछले 15-20 सालों से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ में बहुत अच्छा खासा डाइट प्लान है, पूरे तरीके से सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो उनके साथ उनको कंपेयर करेंगे। वैसे एक बात बता दूं, बचपन से मेरे दो ही फेवरेट हीरोज थे। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब मेरे फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती सर थे और जब से शाहरुख खान सर ने एंट्री मारी है बॉलीवुड में तब से वो मेरे फेवरेट है और उनको दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आज के एपिसोड में हम सबसे पहले शाहरुख खान सर की फिजिक के ग्राफ को देखेंगे, उसके बाद मेरे फ्रेंड के साथ उनकी फिजिक को कंपेयर करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊँगा कि क्या शाहरुख खान सर नेचुरल है या फिर उन्होंने किसी हार्मोनल असिस्टेंस का यूज़ किया हुआ है। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले शाहरुख खान सर के फिजिक के ग्राफ को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1988 में उन्होंने सबसे पहले टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन की, जिस टाइम पे बहुत सारे सीरियल्स आते थे उनके, जैसे फौजी, सर्कस, दूसरा केबल। उसके बाद 1992 तक वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में ही काम करते रहे। तब उनकी जो एज थी अप्रॉक्सीमेट 23-24 थी, बहुत ही यंग थे। और उनकी जो बॉलीवुड एंट्री थी, मूवी का नाम था दीवाना और तब से मैं भी उनके लुक्स का दीवाना हो गया था। और उसके बाद बहुत सारे हिट मूवीज़ उनकी आई जैसे बाजीगर, डर, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है तो बाद में आई, उसके पहले दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे, दिल तो पागल है, परदेस, और आप समझ सकते हैं मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए मुझे सारी मूवीज़ के नाम याद है, कभी अलविदा ना कहना। तो लेट 90s और अर्ली 2000 तक उनकी जो फिजिक थी वो बहुत ज़्यादा लीन थी और कभी उन्होंने फैट भी गेन नहीं किया। आई गेस वो एक्टोमॉर्फ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब मैं अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में था तब उनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओम शांति ओम। तब उनकी जो एज थी वो थी 42 ईयर्स और उनकी फिजिक देख के मैं भी सोचता था कि लाइफ में जब भी मैं स्टेबल हो जाऊंगा तब मैं उनकी जैसी फिजिक बनाना चाहूंगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रॉपर 8-pack abs दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड दिख रहे थे लेकिन मसल मास उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत डिसेंट फिजिक थी। और आजकल के टाइम में ऐसी फिजिक बनाने के सपने हर इंडिविजुअल देखता है। और उसके बाद जितने भी उनकी मूवीज आए उसमें उनकी फिजिक ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी, लेकिन 2014 में उनकी एक मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था हैप्पी न्यू ईयर, जिस टाइम पे उनकी जो एज थी वो थी 49 ईयर्स। अगेन उन्होंने सबको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा बेटर फ्रेम लेके आए, लेकिन 8-pack abs उनके तब भी क्लीन दिख रहे थे और बहुत अच्छा फ्रेम दिख रहा था। और तब तक मेरी भी अच्छी खासी फिजिक बन गई थी, तब मैं सपने देखता था एक टाइम पे कि मैं शाहरुख खान सर जैसी फिजिक बनाऊंगा। तो अप्रॉक्सीमेट उनके जैसी फिजिक मैंने भी अचीव कर ली थी, लेकिन उनकी फिजिक उस एज में बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रही थी और हम जितने भी शाहरुख खान सर के फैन हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। और 2022 में जब पठान का ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके पहले उनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया हुआ था जिसमें उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रही थी। वो देख के तो मैं एकदम ही सरप्राइज हो गया बिकॉज आज के टाइम पे शाहरुख खान सर की जो एज है वो 57 ईयर्स है और इस एज में भी शाहरुख खान सर ने बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया। जब तीनों ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स को आप साइड बाई साइड रख के देखेंगे तब देखेंगे कि जब 42 ईयर्स के वो थे तब से उनकी जो बॉडी है अभी 57 ईयर्स की वो फिजिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रही है। उन्होंने अपने फिजिक पे बहुत ज़्यादा काम किया, ज़्यादा श्रेडेड हो गए, साथ में मसल मास भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया, इस वजह से उनकी फिजिक पहले से बहुत ज़्यादा डिफाइन दिख रही है। अब हम कंपेयर करेंगे शाहरुख खान सर की फिजिक को मेरे फ्रेंड मोहम्मद भैया की फिजिक के साथ बिकॉज उनकी जो एज है वो भी 57 ईयर्स की है और पिछले 15-20 सालों से वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं,
टाइम टू टाइम अपने मील्स को लेते हैं, टाइम टू टाइम जिम जाते हैं और सिमिलर तरीके से वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। आई गेस वो भी शाहरुख खान सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और साथ ही में उन्होंने पर्सनल ट्रेनर भी लगाया हुआ है जो पिछले 10 सालों से उनको ट्रेन कर रहे हैं। जब भी मैं जिम जाता हूँ उनको देखता हूँ, वो बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करते हैं और उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एज में जाके मैं भी उस टाइप की फिजिक मेंटेन करूँ। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद भैया की जो फिजिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफाइन है उनके एज के अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छा मसल मास उन्होंने कैरी किया हुआ है और वेट लिफ्टिंग में भी वो बहुत अच्छे से सारे वेट्स को अच्छे से लिफ्ट कर लेते हैं और साथ ही में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपना डाइट टाइम टू टाइम लेते हैं, प्रॉपर 8 आवर्स का स्लीप वो कंप्लीट करते हैं और जितने भी चीट्स रहते हैं या पार्टीज रहते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, एकदम रिलीजियसली फिटनेस फॉलो करते हैं, इसलिए इस एज में भी वो बहुत अच्छी खासी फिजिक मेंटेन करते हैं। वैसे रिसेंटली मैंने शाहरुख खान सर के जो ट्रेनर है जो पिछले 24 ईयर्स से उनको ट्रेन कर रहे हैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बता रहे थे कि शाहरुख खान सर इस मूवी के पहले तक हमेशा सर्किट ट्रेनिंग करते थे या फिर मोस्टली कार्डियो ऑडियो वाले वर्कआउट ही करते थे, लेकिन इस मूवी की तैयारी करने के 2 साल पहले से वो हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। इस वजह से उनको उन्होंने काफ़ी अच्छा मसल पुट ऑन किया, साथ में काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड दिख रहा है और उनको कंपेयर करें मोहम्मद भैया के साथ तो आप देख सकते हैं कि वो भी पिछले 15-20 साल से ट्रेन कर रहे हैं, साथ ही में उनका जो पर्सनल ट्रेनर है वो भी 10 साल से उनके साथ में है और वो पिछले 15-20 सालों से अच्छा खासा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप कंपेयर करेंगे तब आप देखेंगे कि शाहरुख खान सर की फिजीक के आगे मोहम्मद भैया की फिजीक उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मोहम्मद भैया ने इस एज में बहुत अच्छी फिजीक मेंटेन करके रखी है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उनका मसल मास काफ़ी अच्छा है और उन्होंने ज़्यादा फैट भी पुट ऑन करके नहीं रखा है। बट हमारा प्लान है कि इन फ्यूचर मोहम्मद भैया को भी श्रेडेड ज़रूर करने का और इस वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने से एक आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कंपेयर करेंगे किसी सेलिब्रिटी के फिजिक के साथ तब आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो सकते हैं। अगर आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो किसी भी एज में एक डिसेंट सी फिजिक ज़रूर बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा था जिसमें मैंने बताया था कि 40s के बाद आप अपनी फिजिक कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो वो सारे रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप एक डिसेंट सी फिजिक पा सकते हैं और कभी भी अपनी फिजिक को किसी सेलिब्रिटी के फिजिक के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, एज उनको अपनी फिजिक दिखाने के पैसे मिलते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जितने भी सेलिब्रिटीज़ बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को पाने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए रेडी रहे। अब बात कर लेते हैं क्या शाहरुख खान सर नेचुरल है। वैसे एक डिसेंट सी फिजिक अचीव करने के लिए आपको सालों साल वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, साथ ही में एक हाई प्रोटीन न्यूट्रिशियस डाइट, कुछ सप्लीमेंट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन एक डिसेंट सी फिजिक अचीव करने के लिए आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके जो प्राइमरी हार्मोन्स है दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और HGH, इनका लेवल मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप एक बहुत अच्छी फिजिक अचीव नहीं कर सकते। जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं और बड़े से बूढ़े होते हैं तो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं वो भी बूढ़े होने लगते हैं, एजिंग आ जाती है उसमें भी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अर्ली 20s में जितने लोग भी जिम जाते हैं एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान फॉलो करते हैं साथ ही में एक अच्छा खासा रेस्ट लेते हैं तो उनके मसल्स बहुत जल्दी जल्दी गेन हो जाते हैं। लेकिन वही काम अगर कोई लेट 30s वाला इंसान करे मेरे जैसे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करती है, जल्दी नहीं रिस्पॉन्ड करती है। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उनमें एजिंग स्टार्ट हो गई है। और जब बात करते हैं शाहरुख खान सर के फिजिक की तो 42 ईयर्स से लेकर 57 ईयर्स तक इन 15 सालों में उनकी जो फिजिक है वो ज़्यादा बेहतर बन गई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके जो हार्मोन्स हैं उनमें भी एजिंग आई होगी उनके एज के अकॉर्डिंग? तो मेरे हिसाब से लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ज़रूर किया होगा इस फिजिक को क्रिएट करने के लिए, लेकिन बिना हार्मोनल असिस्टेंस के ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए होंगे और इस एज में नेचुरली ऐसी फिजिक अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद शाहरुख खान सर को हेट पहुँचाने का नहीं, एज बचपन से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके पोस्ट और उनके मूवीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और भगवान जी से हमेशा प्रे करता हूँ कि उनके एज में अगर मैंने 10% भी ऐसी फिजिक अचीव कर ली तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानूंगा। और आप लोग भी उनके जैसे फिजिक अचीव करना चाहते हैं तो उनसे मोटिवेट होइए, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जैसी फिजिक उस एज में अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है नेचुरली।
तो अपने फिटनेस में ध्यान दीजिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा हेल्दी रहें जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Keep pumping, step less. Yeah, I've been running and running to keep it up.